नमस्ते, मैं दर्शक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, MTBF मतलब क्या बोल के आज हमारा वीडियो डिस्कस करने वाला है। MTBF मतलब क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, उसी को हम लोग को क्या बोलता हूँ, MTBF बोल के हम लोग को शॉर्ट नेम जो हम लोग को बोल देता हूँ। मतलब MTTR मतलब बोल के आप लोग को जो सुना होगा, जो MTTR मतलब क्या है, मीन टाइम टू रिपेयर, इसी के बारे में हमको डिटेल वीडियो पहले डाल चुका है, वो वीडियो को आप लोग नहीं देखने से जाके देख लीजिए, वो वीडियो का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो जाके दो देख लीजिए, फिर देखने से आप लोग को पता हो जाएगा MTTR मतलब क्या बोल के। ठीक है, आज का वीडियो में क्या है, MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर। सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर में क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर में इसमें इसके लिए जो एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर मतलब क्या है, एक इंसिडेंट से दूसरा इंसिडेंट कितना घंटा का बाद जो हो जाता है, उसी को जो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को मीन टाइम बिटवीन ओटो, उसी को इजीली जो अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये टर्म यूज करता हूँ। एक इंसिडेंट जो हो जाता है, दूसरा इंसिडेंट कितना टाइम का साथ जो आ जाता है, बोल के कितना टाइम इंटरवल का साथ आ जाता है, उसी को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को मीन टाइम बिटवीन फेलियर को हम लोग को यूज करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को जो ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल में एक क्रिटिकल इक्विपमेंट सुबह 10 बजे जो प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग को जो उसको 11 बजे हम लोग को रेडी करता हूँ। ठीक है, रात में भी वही क्रिटिकल इक्विपमेंट सेम क्रिटिकल इक्विपमेंट 10 बजे जो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर 11 बजे हम लोग को ठीक करता था, ठीक करके जो रनिंग कर देता हूँ। अगर एक दिन में मैं एक दिन का जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आप तो एक साल ले सकता है, 5 साल ले सकता है, 20 साल ले सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन कितना टाइम जो ब्रेक डाउन हुआ पूरा कैलकुलेट करना चाहिए। फिर ये हमारा जो चीज में 2 घंटा ब्रेक डाउन टाइम है, मतलब सुबह एक 10 बजे से 11 बजे, फिर रात में 10 बजे से 11 बजे, 2 घंटा ब्रेक डाउन टाइम, टोटल ब्रेक डाउन टाइम, वो ब्रेक डाउन इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट, ठीक है ना, सुबह का एक टाइम, रात में भी एक टाइम। अभी मीन टाइम बिटवीन फेलियर का जो फॉर्मूला क्या है, टोटल अप टाइम ऑफ द इक्विपमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, टोटल अप टाइम ऑफ द इक्विपमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। हमारा केस में अप टाइम ऑफ द इक्विपमेंट क्या है, टोटल 24 आवर्स है, 24 आवर्स में 2 घंटा जो प्रॉब्लम है, फिर 22 आवर्स जो रनिंग में है, अप टाइम में है वो हमारा इक्विपमेंट। सो MTBF इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, 2 इंसिडेंट, सुबह का एक टाइम, रात में एक टाइम, 22 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जो डिवाइड करने से आप लोगों को क्या जो आ जाते हैं, 11 आवर्स। सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर हमारा केस में क्या है, 11 आवर्स, जो 11 आवर का एक बार जो हमारा प्रॉब्लम जो होते रहता है, मतलब एक केस से ले, एक केस के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिर आप लोग 1 साल 5 साल का जो करना से वो मीन टाइम बिटवीन तो इंटरवल ना थोड़ा चेंज होते रहेगा, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर का जो टाइम है ना वो तो ज्यादा रहना चाहिए। अगर जो इंटरवल बहुत कम में रहने से क्या है, आपका इक्विपमेंट बार बार जो प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग को उसका RCA जो फाइंड आउट करना है, वो किस लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है बोल के आप लोग को बहुत सोचना चाहिए। क्यों बोलने से, क्रिटिकल इक्विपमेंट प्रॉब्लम होने से आप लोग को अभी जो बिजनेस में, बिजनेस के लिए मतलब क्रिटिकल इक्विपमेंट प्रॉब्लम रहने से आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, बिजनेस अफेक्ट होने से आपको जो बहुत लॉसेस है, इसलिए क्रिटिकल इक्विपमेंट को कभी भी आप लोग को उसका क्या क्या स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उसका किस लिए जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कैसे जो अवॉइड कर सकता है, सभी जो RCA रूट कॉज जो एनालाइज करके उसी को आप लोग को प्रिवेंट करना है। ठीक है, जो प्रिवेंटिव एक्शन जो आप लोग को करना चाहिए, नहीं तो फिर ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो रहते रहता है उसको बंद नहीं कर सकते। अगर कुछ ना कुछ चीज हम लोग को बंद कर सकता है, कुछ ना कुछ चीज हम लोग को बंद नहीं कर सकता है, जो चीज बंद नहीं कर सकता है वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ बंद कर सकता है, जो प्रिवेंटिव एक्शन जो ले सकता है उसी को आप लोग हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना है, हमारा जो वीडियो में मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या बोल के आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया जो मिला हुआ लगता है हमारा वीडियो में, जो आप लोग भी ऐसा जो लगने से जो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फिर लोग भी शेयर कीजिए, इसी के बाद कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग को उसको रिप्लाई करने के लिए हम लोग को कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।